हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और जो एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए है कि वर्ग एक का जो एग्ज़ाम है वो आपके 1/5 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। और आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है आ गया है, तो किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको जो है इसके साइट पे जाना है, आप पीवी की साइट पे जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम साइट की बात करते हैं तो pev.mp.government.in, आप यहाँ पे देख रहे हैं pev.mp.gov.in पे आपको जाना है, ठीक है ना। और इसके बाद इस तरह से जो पेज है वो ओपन होगा। फर्स्ट पेज में ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेस्ट एडमिट कार्ड है, हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 का एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया है। देखिए आपके पेपर जो है कब कब होने हैं, लंबा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जिस तरह से पेपर कोड की यहाँ पे बात चल रही है, GEO फर्स्ट में जो है वो आपका GEO 12 है, यानी ज्योग्राफी का है। एग्ज़ाम डेट जो है 1/2 को है, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 फरवरी को जो है आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, फ्राइडे को, और 7:30 AM to 9 AM से है, यानी 9:30 से 12 बजे तक का आपका एग्ज़ाम टाइम है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चल लेते हैं। जैसे आपका हिंदी का जो पेपर है वो आपका 2 फेब को है, 2 फरवरी को है, ठीक है ना। हिंदी 01 और हिंदी 0 जो आपका 1 है वो भी आपका 2 को ही। इसी तरह से बायो का जो पेपर है, बायोलॉजी का 07, वो आपका संडे को 3 को पढ़ रहा है, 3 को ही। इंग्लिश का भी पेपर है, क्योंकि ये जो पेपर है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जैसे बायो का पेपर 2-3 को है तो वो आपका मॉर्निंग से है, 9:30 से 12 तक है। और जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका 2:30 से 5 है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए और भी यहाँ पे जो पेपर है ये कोड है और कब क्या पेपर है तो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ अभी पेपर जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, फिजिक्स है, ये एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, ये अभी जो पेपर है इनके जो एडमिट कार्ड हैं यहाँ पे अभी नहीं दिए गए हैं। उर्दू का पेपर है तो इनके पेपर जो विल बी अवेलेबल सून, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टाइम बता दिया है किस दिन पेपर होने हैं, ये डेट यहाँ पे दी हुई है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो बाद में आपको इसका अवेलेबल करवाया जाएगा। डाउनलोड किस तरह से करना है एडमिट कार्ड, तो चलिए चलते हैं पेपर ज्योग्राफी में देख लेते हैं, क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे आके अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, यहाँ पे आपको डालना होगा, ओके। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जो कैप्चा दिया हुआ है प्लस या माइनस में है जो भी है उसको आपको ऐड करके माइनस करके लिख देना है, सर्च पे क्लिक कर देना और आपका इस तरह से जो इनरोलमेंट नंबर है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो किस तरह से आप अपना जो हॉल टिकट है या फिर एडमिट कार्ड है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई जो आप पढ़ लीजिए कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अर्जित किया गया स्कोर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है। मूल प्रवेश पत्र था, मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ आपको वहाँ पर नहीं ले जानी है, ठीक है। परीक्षा हाल में प्रवेश जो है बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया उपरांत दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक जो है वो परीक्षण भी वहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे 2 वेबसाइट दी हुई हैं जहाँ पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन अगर आप पहले नहीं दिए हैं तो, ठीक है। और TSC के द्वितीय भाग में स्व हस्ताक्षरित फोटो लगाना अनिवार्य है, आप पहले दिव्यापम का एग्ज़ाम दे चुके हैं PV का तो आपको मालूम ही है, ठीक है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी, तो अपना जो मूल फोटो युक्त पहचान पत्र है वो आप या तो आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, पैन कार्ड है तो वो आप लेकर जाइए। और निर्धारित समय पर आपको वहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी, वरना आपको वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाए। तो चलिए फिर जल्दी से अपना प्रवेश पत्र जो है यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।